सहकारी उद्यम एवं साझेदारी फर्म में अंतर, डिफरेंस इन कोऑपरेटिव एंटरप्राइज एंड पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं, इनमें अंतर देखते हैं तो सबसे पहले मीनिंग जो है उसकी बात करते हैं, यानी अर्थ की, कि सहकारी उद्यम या समिति या संयुक्त रूप से व्यापार करने के लिए कमजोर व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो सदैव निस्वार्थ भाव की ऐसी शर्तों के अनुसार चलाया जाता है जिसकी सदस्यों के कर्तव्यों का ग्रहण करने के लिए तत्पर सभी व्यक्तियों व्यक्ति उसी अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं जिस अनुपात में वे अपनी संगठन का उपयोग करते हैं। यानी इनका उद्देश्य लाभ कमाना न होकर सेवा करना होता है। जबकि साझेदारी जो फर्म है उसकी बात करें तो साझेदारी फर्म उन व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध को कहते हैं जो एक ऐसे उद्यम के लाभों को आपस में बांटने के लिए सहमत हुए हैं, जिसे वे सब या उन सब की ओर से कार्य करते हुए उनमें से कोई एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है। यानी साझेदारी फर्म का उद्देश्य सेवा करना तो है ही, साथ में लाभ कमाना भी इनका मेन उद्देश्य है। यानी सेवा करना नहीं, इन जो सहकारी उद्यम में तो सेवा है और साझेदारी फर्म में लाभ के साथ सेवा है। अधिनियम की बात करें तो जो सहकारी उद्यम या समिति भारतीय सहकारिता अधिनियम 1912 लागू होती है। जबकि साझेदारी की बात करें तो साझेदारी फर्म में साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होती है। ऐसी बात करें ऑब्जेक्ट उद्देश्य की बात करें तो सहकारी संगठन के उद्देश्य समिति के सदस्यों की सेवा करना है, लाभ कमाना नहीं है, सेवा करना है। जबकि फर्म का उद्देश्य लाभ कमाना ही है, साझेदारी फर्म जो है उसका बनाने का उद्देश्य है वो लाभ कमाना ही है। सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या की अगर हम बात करें तो सदस्यों की न्यूनतम संख्या सहकारी उद्यम में समिति पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि मतलब सहकारी सदस्यों की न्यूनतम संख्या पर, तो समिति के न्यूनतम सदस्यों की संख्या 10 होनी आवश्यक है, अधिकतम पर ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं है। जबकि साझेदारी फर्म के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होती है, क्योंकि एक व्यापारी द्वारा एक एकल व्यापार किया जाता है और एक से अधिक मिलकर। और बात करें सदस्यों की संख्या, अधिकतम संख्या की बात करें तो सहकारी संगठन समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या पर तो कोई प्रतिबंध नहीं है, ये कितने भी हो सकते हैं जब इनका उद्देश्य ही लाभ कमाना नहीं है, सेवा करना है। तो ऐसे ही बात करें साझेदारी फर्म की जो सीमाओं में बंधा हुआ है, जो इस अधिकतम संख्या, अगर सामान्य व्यवसाय है तो 20 हो सकते हैं, 20 से ज़्यादा नहीं, और अगर बैंकिंग व्यवसाय है तो 10 व्यक्ति इसके सब साझेदार हो सकते हैं। समझौते की बात करें तो सहकारी संगठन में सदस्यों के मध्य किसी प्रकार का समझौता या ठहराव होना आवश्यक नहीं है, यानी कोई इसमें समझौता या अनुबंध करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बात करें साझेदारी फर्म में तो साझेदारी फर्म में सदस्यों के मध्य समझौता होता है, लिखित या मौखिक जो भी है, या वह आवश्यक है, लेकिन समझौता होना जरूरी है, क्योंकि जो लाभ होता है उसे बांटने के लिए किस अनुपात में या बराबर जो भी है। स्थायित्व की बात करें, सहकारी संगठन साझेदारी की फर्म की तुलना में अधिक स्थायी होती है। यानी साझेदारी में तो दिवालिया पागल या कोई हो गया तो उसको समाप्त कर दिया जाता है, जबकि सहकारी संगठन जो है उसका उससे ज़्यादा स्थायीपन है। साझेदारी फर्म में सहकारी संगठन की तुलना में स्थायित्व कम होता है, कम स्थायी होती है। पूंजी की बात करें, सहकारी संगठन में कम पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो बिल्कुल कमज़ोर वर्ग के लोग मिलकर ही इसे बनाते हैं, जबकि साझेदारी में ऐसा ज़रूरी नहीं है। कि जबकि साझेदारी फर्म की अपेक्षाकृत पूंजी की आवश्यकता अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि ये तो इनका जब उद्देश्य लाभ कमाना है तो निश्चित ही जो जोखिम और साहस उठाएगा या जो ज़्यादा पैसा लगाएगा तो निश्चित ही वो प्रॉफिट भी पाएगा। सरकारी संरक्षण की बात करें, सरकारी संगठनों की जो अधिक आश्रय देती है, इसलिए इन्हें सहकारी या सरकारी संरक्षण प्राप्त होता है। यानी सहकारी जो उद्यम है, सहकारी उद्यम को संगठन को अधिक जो आश्रय देती है, इसलिए इन्हें सरकारी संरक्षण प्राप्त होता है। जबकि पूंजीवादी संगठन है, जो साझेदारी फर्म है, जो पूंजीवादी संगठन है, इसलिए इन्हें सरकारी संरक्षण प्राप्त नहीं है। यानी जो साझेदारी है उसमें जो पैसे वाले लोगों को द्वारा बिजनेस किया जाता है, तो उसमें सरकार का ज़्यादा कोई हस्तक्षेप अपना संरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो सहकारी संगठन का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है,
जो कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी है, जबकि साझेदारी जो फर्म का जो रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है, ऐच्छिक है, चाहें तो कराएं और चाहे तो ना कराएं, लेकिन कराने के फायदे अलग हैं। इसलिए प्रबंध की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, तो सरकारी जो सहकारी संगठन में प्रबंध चुने हुए प्रतिनिधियों की प्रबंध समिति द्वारा, यानी इसमें जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन किया जाता है, इसमें मैंने प्रबंध किया जाता है। इधर साझेदारी फर्म का प्रबंध संचालक सभी सदस्यों द्वारा या उनके द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। ऐसे ही बात करें, स्कोप की बात करें, क्षेत्र की बात करते हैं, तो सहकारिता संगठन का साझेदारी फर्म की तुलना में विस्तृत होता है क्षेत्र, जो एक वाइड स्केप मतलब यूं कहें, जबकि साझेदारी फर्म का सहकारिता संगठन की तुलना में क्षेत्र थोड़ा संकुचित यानी कम छोटा होता है यूं कहें। तो क्षेत्र की बात ये कर ली, अब ये आज हमने इनमें अंतर देख लिया।